Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Zoe the Zippo. कैसे हो आप सब? I hope you all are doing well and stay safe, stay happy. तो guys, आज मैं जा रही हूँ धनोल्ती. तो guys, पीछे का नज़ारा देखो, यहाँ का बहुत ज़्यादा सुंदर है. अच्छा, आप जब भी मसूरी आते हो और मसूरी से धनोल्ती जाते हो, फिलहाल तो आप जब भी मसूरी आओ ना तो धनोल्ती ज़रूर जाना. तो धनोल्ती अगर जाते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे दो धनोल्ती हैं. एक में ओ आता है और एक में डी ओ यू एल टी आई आता है. तो गाइज कंफ्यूज मत होना, दोनों में धनोल्ती है. यहाँ से 58-60 समथिंग किलोमीटर्स है और जो धनोल्ती है जिसमें ओ आता है वो यहाँ से 35-30 किलोमीटर्स के अंडर है. तो लोगों ने बताया है मसूरी में कि आप धनोल्ती जो ओ आता है वहाँ जाओ, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे. और अब हम जा रहे हैं धनोल्ती. हम दिल्ली से आए हैं, टंकी फुल करवा के आए थे 1200 रुपए की, जबकि अभी तक उसमें रिजर्व नहीं लगी थी, आज लगी है. 850 का पेट्रोल डला था, 200-300 का पहले से ही था, तो इतने में अभी तक चल रही है हमारी धनो. बहुत अच्छा एवरेज देती है. बाकी आप आरआर ब्लड ब्लॉग में देख सकते हो आज का ब्लॉग. बहुत अच्छी राइडिंग करता है ये और मज़ा आएगा आपको यहाँ का सफ़र देखने में, यहाँ के नज़ारे देखने में, सब कुछ देखने में. फिलहाल तो आप मेरे ही ब्लॉग में देख लो. हर जगह चाय घुसेड़नी है इसे, क्योंकि अभी इसे भूख लग रही है. देखो यार कितना सुंदर व्यू है. तो चलो चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी कुछ खा पी भी लेते हैं, उसके बाद हम अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं. 3 किलोमीटर ढलान के बाद में चढ़ाई आएगी और 3 किलोमीटर नीचे जाकर ही अब हमें पेट्रोल मिलेगा. तो हमारी धनो रिजर्व में लगी हुई थी, बट फिर भी इसने 3 किलोमीटर पहाड़ों के निकाल ही दिए हैं और यहाँ पे हमें मिल चुका है पेट्रोल पंप. तो यहाँ पर प्रियांशु करवा रहा है बुलेट को फिल और नज़ारे देख लो यार, यहाँ पे बड़े सुंदर हैं. चलो फिर चलते हैं आगे. तो दोस्तों पीछे का नज़ारा देखो यार, बहुत सुंदर दिख रहे हैं. और नज़ारा देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे सब रुक गए हमारे रुकने के बाद में. ये देखो कोई नहीं था, हम रुके थे सबसे पहले क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा शूट करना था. 5 किलोमीटर बचा है धनोल्ती. मैंने सोचा ये वाला नज़ारा आपको दिखाना तो बनता है गाइस, बहुत सुंदर है. और थोड़ा सा हम अपनी धनो को भी रेस्ट दे रहे हैं, हमने पेट्रोल फिल करवा लिया है. और अगर आप इसकी रील्स शॉर्ट्स देखना चाहते हो तो यार चेकआउट करो मेरे शॉर्ट्स चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे. और प्रिंस का भी लिंक दे दूंगी, इंस्टाग्राम चैनल का मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो दोस्तों अभी मैं रुक गई हूँ यहाँ पे मैगी खाने के लिए, यार भूख लग रही है. सुबह से निकले हुए हैं, सिर्फ चाय पी थी और वहाँ का नज़ारा तो आपने देखा ही होगा. मैं रुक गई यहाँ पे मैगी खाने के लिए और पीछे का नज़ारा भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, शायद धूप की वजह से आपको दिख रहा हो, दिखा ना. तो चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे. तो गाइस मैगी पॉइंट पे रुक गई हूँ मैं. पीछे का नज़ारा भी बहुत सुंदर है, हल्की हल्की धूप आ रही है यहाँ पे. सॉरी बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ पे. अंकल जी यहाँ पे मैगी बना रहे हैं. भले ही मेरा नुकसान हो रहा है पर मंदिर के अंदर अंडा खा के मैं तो अच्छी राय दूंगा, बाकी आप पीछे. अंकल बढ़िया चाय बना रहे हैं. हाँ चाय बना रहे हैं, अब हम चाय पियेंगे यहाँ पे. ना हम किसी को गलत खिलाते ना गलत. कंफर्टेबल रेट है. अंकल कहाँ पे खड़े हो आप, बताओ जगह, बताओ अपनी जगह. मेरी ये ब्रांच खंडा है धनोल्ती के बीच में, पीछे 5 किलोमीटर धनोल्ती से 5 किलोमीटर पीछे बराज खंडा नाम से जगह है. मसूरी से 22 किलोमीटर आगे अंकल मैगी बनाते हैं. 22 किलोमीटर आप धनोल्ती वाले रूट पे आओगे तो आपको मिल जाएगा इजिली. जहाँ पे अभी हमने व्यू दिखाया था उससे थोड़ा सा ही आगे यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, देखो पीछे. खा लेते हैं अब थोड़ा सा, हाथ ठंडे हो गए, थोड़ा सा सेक भी, धूप में सेकते हैं. चलो आग भी लगा रखे. आग लगा नहीं रखी, आग जला रखी है. लगा दे, जला दे कुछ. गाइस वी आर खाइंग मैगी मुग्गी इन पहाड़ों में, बहुत मजा आ रहा है खाने में और बहुत टेस्टी मैगी बनाई है अंकल जी ने, बहुत अच्छी लग रही है. बस खा के फिर निकलते हैं आगे. धनोल्ती थोड़ा सा ही 4 किलोमीटर 4 से 5 किलोमीटर बचा है. धनोल्ती रुकेगी गाड़ी सीधी, अब डायरेक्ट धनोल्ती रुकेंगे फिर देखते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, फिर हमें वापस भी आना है शाम तक. चलो खा लेती हूँ.
धनौल्टी तो पहुंच गई हूँ। अब हम यहाँ से जाएंगे सरकंडा देवी टेम्पल, सबसे पहले रेस्ट करेंगे और भूख भी लग गई है फिर से। मैगी खाने के बाद में भी भूख लग गई, क्योंकि इतनी सी मैगी से क्या होता है यार। तो खाने का भी कुछ ढूंढते हैं फिर। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गई हूँ मैं सरकंडा देवी टेम्पल। यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है, पीछे देख लो, शायद पीछे वहीं पर है आगे जाके, और ट्रॉली सर्विस भी है यहाँ पे हम भी टिकट ऊपर पूछेंगे सस्ते हुए तो हम ट्रॉली से ही चलेंगे। ऊपर ट्रॉली सर्विस भी है, यहाँ है ये पार्किंग, हमने अपनी धन्नो पार्किंग में खड़ी कर दी है। चलो फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं, अगर कैमरा अलाउड होगा तो ले जाऊंगी, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा गाइस। ठीक है, तो हमने अपने हेलमेट्स यहाँ रख दिए हैं। प्रिंस ने कैमरा निकाल लिया है, क्योंकि यार हेलमेट्स तो कोई दिक्कत नहीं है वो बोल रहे हैं, बट कैमरे का किसी का भरोसा नहीं होता ना यहाँ पे। उत्तराखंड के लोग अच्छे हैं, जरूरी तो नहीं है ना, दिल्ली का नंबर गाड़ी भी आती है, सब कुछ आता है, यूपी हरियाणा के ज़्यादा है यहाँ पे, और आपको पता ही है फिर क्या होता है कांड। तो यहाँ है ये पार्किंग, वहाँ पे ट्रॉली की सर्विस भी अवेलेबल है, हम भी पूछेंगे पता करेंगे। और यहाँ आगे जाकर है मंदिर, देखते हैं अब आगे जाकर क्या नज़ारे हैं। तो जहाँ पे मैगी खाई थी इसने पैसे दिए थे वहाँ पे, पर्स इसने रखा या नहीं रखा बैग में ये इसे याद ही नहीं था, और बैग में मिल भी नहीं रहा था, बहुत अंदर डीप में चला गया था, बाल मसा हुआ और मुझे गुस्सा आ रहा था तुझ पे, अभी हार्ट अटैक आ रहा था, क्योंकि सारे पैसे सब कुछ उसी में ही था और इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बैग में फेंक देता है अपना पर्स भी वॉलेट भी। इसको बोला है कि यहाँ रखो, ये किस लिए दे रखी है पॉकेट, लेकिन नहीं हमें तो फेंक देना है। डर गई थी मैं बहुत ज़्यादा, बट मिल गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आगे। तो यहाँ से है मंदिर का रास्ता, अब देख लो। तो अभी मुझे यहाँ पे चढ़ते चढ़ते सिर्फ 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, बहुत मतलब हैवी लग रही है मेरे को ये चढ़ाई, कैसे चढ़ते होंगे आगे 3 किलोमीटर और चढ़ाई है, मेरे बस की तो है नहीं। तो मैं तो जाने वाली हूँ यार ट्रॉली से। आप अगर आ रहे हो, आपका मन है एडवेंचर करने का, तो आप जा सकते हो, ट्रैकिंग एरिया है 3 किलोमीटर। और यहाँ पे लाइन देख लो यार, ट्रॉली की बहुत ज़्यादा लंबी थी। जो यहाँ का ट्रॉली प्राइजेस है वो 200 रुपीज़ है, पहले 175 था, अब 200 हो गया है बोथ साइड। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता ज्यादा है। माता रानी हमें जल्दी बुला रही है 3 और 2 को। तो कैसा फील हो रहा है? रास्ता भी हमने सही नहीं बनाया, रास्ता बेकार है। तो आइए समझा रहे हैं, दिखा दे इस मोमेंट ने ना मेरी दिल की धड़कने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी भाई, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी थी, मैं ये लग रहा था कहीं आखिरी दिन ना हो। ये नज़ारे देख लो, बड़ा अच्छा लग रहा था, नज़ारे देख के थोड़ा शांत हो गया मन, यहाँ भी सेफली पहुँच जाएंगे हम। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा मंदिर के बारे में। जो गॉडेस सती जी थी उनके जो 51 शक्तिपीठ थे, उनका एक शक्तिपीठ यहाँ पे गिरा था जो कि उनका सर था, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम भी सरकंडा देवी टेम्पल पड़ा था, और इसी वजह से इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये मंदिर अपने आर्किटेक्चर, ब्यूटी, हिमालयस व्यू और हाई एल्टीट्यूड के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। अगर बात की जाए इसके एल्टीट्यूड की, तो गाइस सी लेवल से इसका जो एल्टीट्यूड है वो 10,000 फीट के आसपास है। तो जब भी धनौल्टी आ रहे हो डेफिनेटली यहाँ आना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ के नज़ारे आपका दिल खुश कर देंगे। सो गाइस, अब की बार वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, बट प्लीज गाइस प्यार देना इस वीडियो को बहुत सारा, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।